Everybody's ready. Guys, तुम मेरा ड्रेस को कवर नहीं कर सकते। नहीं, 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 नहीं। तुम्हारे गुलाब जामुन थोड़े नीचे। मस्त प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है आपकी। थोड़ा बता दीजिए प्रोफाइल पिक्चर। मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस कि मुझे अभी अभी कोलंबो श्रीलंका से जो बैलीज है थोड़ा सा नीचे रखना भाई। मैं जोर से बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ तो यमराज तक पहुँच जाती है भाई, आराम से। इतनी मेरी गड़े मुर्दे भी उड़ जाए ऐसी मेरी आवाज़ है भाई। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ दोस्तों कि मुझे अभी भी बैलीज कसिनो से ऑफर आ रहा है श्रीलंका जाने के लिए, और श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर भाग गए हैं किसी के पैसे लेकर या पता नहीं क्या हुआ है श्रीलंका वालों के, उनके घर में आग वाग लगा दी है, सड़कों पे आग वाग लगा दी है, वहाँ पे तो मतलब बहुत सारा घमासान युद्ध हो रहा है आपस में श्रीलंका में। मैं बहुत डर रही हूँ कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, जाना चाहिए। तुम लोग मेरी बलि चढ़ा रहे हो। राखी जी, आपको पता चला कि सलमान सर बिग बॉस के लिए 3 गुना ज्यादा लाइक मोर देन 1000 करोड़ ले रहे, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? इस सीजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक मिनट, पहले मैं अपनी बात श्रीलंका की कंप्लीट कर लूं फिर उसके जवाब देती हूं। सो गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है जाने के लिए, मैं क्या करूं, मुझे कोई बताएगा प्लीज? क्योंकि वहां पे आप लोगों को पता है कि नहीं वॉर चल रहा है, वॉर चला है, इकोनॉमिक वॉर, इकोनॉमी वॉर चल रहा है। मुझे पकड़ के मोदी जी से कुछ मांग लिया तो उन्होंने आपकी राखी को यहाँ पकड़ के रखा है हमने। अरे उसको छाता दो ना, उसको भीग जाएगा भाई। मेरे को बहुत डर लग रहा है, आप समझ रहे हो? पकड़ लिया मुझे और कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे राखी को, इतने सारा पैसा दो मोदी जी को बोला तो मैं क्या करूँगी? मोदी जी को तो फिर हिंदुस्तान का सारा पैसा श्रीलंका को देना पड़ेगा ना मुझे छुड़ाने के लिए भाई। मैं तो, मोदी जी मेरे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, यू नो, जैसे कहते हैं कि मोदी जी के लिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। मैं तो कोहिनूर हीरा हूँ इंडिया का, नहीं हूँ क्या? हो 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 हाँ, आप समझ रहे हो? तो मुझे आई डोंट नो व्हाट टू डू। छोड़ू तो चल रहा है, चल रहा है, मैं क्यों चलूंगा? मुझे बचाएगा कौन? अच्छा चल रहा है, ओके ठीक है। तो चलेगा तो मुझे बचा लेगा ना? हाँ। तो बिग बॉस की बात यह है कि सलमान जी को बिग बॉस इतना बड़ा शो है, जीआरपी टीआरपी का नंबर वन शो है। बिग बॉस में सलमान जी एज ए एंकर 10 गुना भी मांगे तो भी कम है, क्योंकि बिग बॉस शो ही चलता है सलमान जी की वजह से। क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं ना, वो सिर्फ सलमान जी को ही डरते हैं। दूसरा कोई भी एंकर आ गया ना तो वो उतना डरेंगे नहीं, आप समझ रहे हो? इंक्लूडिंग मी, मैं भी डरती हूँ सलमान जी से, बहुत डरती हूँ। आदिल जी के साथ इस बार देख पाएंगे हम? आदिल, वेयर आर यू साले, साले देख पाएंगे आपको? ये क्या बोल रहा है? मेरे को नहीं समझ आया। इस बार बिग बॉस में आपको देख पाएंगे मैं और आदिल? डेफिनेटली सलमान जी और बिग बॉस जी अपने दामाद को बुलाएंगे बिग बॉस में, तो व्हाई नॉट। हाँ, वो तो दामाद ही है उनके। मैम, आपने लॉकडाउन में सुशांत सिंह जी को, तुम तो इतना अंदर अंदर कहाँ, ये कहाँ से जगह नहीं है? अच्छा जगह नहीं है। काफी सपोर्ट किए थे आप सुशांत सिंह जी को, फिर से रिया चक्रवर्ती को एनसीबी में बुलाया, काफी कॉल्स आए थे उसमें, बहुत सारे में दिख रहे थे लाइक। देखिए मैं सच बोलूँ तो रिया, जो इंसान प्यार करता है वो वार कभी नहीं कर सकता। रिया देखिए, वो प्रोटोकॉल होता है एनसीबी में बार बार जाने का, फिर वो पूछताछ करते फिर छोड़ देते। प्रोटोकॉल से, पूछताछ से डरना नहीं चाहिए इंसान ने। मुझे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, मुझे ऐसा लगता है। स्टार्टिंग में मैं भी उसके खिलाफ बोली थी, पहले मैं डर गई थी कि क्या कोई प्यार ऐसा कर सकता है। आज मैं आदिल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आदिल पे वार कभी नहीं कर सकती। आदिल मुझसे प्यार करता है, लेकिन आदिल मुझ पर वार कभी नहीं कर सकता। प्यार तो
एक खूबसूरत चीज है महसूस करने की, प्यार। मुझे तो पहले कभी जिंदगी में प्यार नहीं होता था, अब मुझे पहली बार प्यार हुआ है आदिल से। पहले तो मेरा सब टाइम पास था, अभी तो रियल सच्चा लव तो मेरा आदिल के साथ ही है। आप टाइम पास क्यों करते हो यार? अरे टाइम पास नहीं, मतलब टाइम पास नहीं था, मतलब वो बचकानी हरकतें थी तब, मालूम नहीं तब मुझे हमेशा लगता था मैं तो जब पैदा हुई थी तभी भी मुझे स्कूल में मैं प्यार करती थी, मुझे लगा मुझे प्यार हुआ है, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो बचकानी हरकत थी। तो मुझे जब जब फील होता मुझे प्यार हुआ, प्यार नहीं होता है, वो बचकानी हरकतें होती है। बारिश अरे मेरे प्यार के बीच में बारिश को क्यों ला रहा है यार, ये बड़ा अनरोमेंटिक है बंदा। छोटे की छोटी बहू, हाँ आदिल मेरा बहुत अच्छा है, आदिल मेरी जान है, आदिल के बगैर मैं जी नहीं सकती। मैं कैसे जिम कर रही हूँ ना मुझे ही नहीं पता, लेकिन आदिल उधर एकदम मैसूर में गुलछर्रे उड़ा रहा है, वही घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, मुझे मिस भी नहीं कर रहा है। आदिल तो मुझे मिस क्यों नहीं कर रहे हो, वेयर आर यू, कम बैक होम। इतना बोल दिया क्या मैंने? ओके बाय, विजुअल्स कर लेते थोड़ा। जल्दी आ जाओ। शाहरुख खान कैसे देख रहे हैं भाई? शाहरुख खान तो ऐसे देख रहे हैं। कितने दिन का मसाला ले रहे हैं? कब आएगा? मैं इसी बारिश में यहीं पे जान दे दूंगी। अभी वो ऑटो मुझे देखा, अभी ऑटो मुझे ठोक रहा था, तूने देखा? हाँ, वो ऑटो वाले देख के भी ठोकने गया था। अंबानी उसके दिन भर गए जलते हैं आपसे, बहुत दुश्मन हो गए ऑटो वाले। मैम आज करण कुंद्रा का गाना आया है तेजस्वी के साथ, बहुत बहुत फिसलन है, बहुत फिसलन है। करण कुंद्रा रॉक्स, करण कुंद्रा रॉक्स ऑलवेज। आप लोग को आपको कैसी लगती है दोनों जोड़ी? मुझे बहुत अच्छी लगती है, करण और तेजस्वी की। पहले मैं उनकी जोड़ी को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, करण और तेजस्वी की। आई फील के बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी है, बहुत अच्छे क्यूट है वो दोनों। और मेरी और आदिल की लैला मजनू हीर रांझा शेरी फरहाद जैसे वो लोग का है तेज रन, तो आपका क्या लिखना चाहिए? लाइक कोई ऐसा है उनका तेज रन है, तेजस्वी एंड करण तेज रन। हाँ, तो बहुत ऐसे भी तेज रन कर रहे हैं, मेरा क्या होना चाहिए आप बताइए? क्या क्या हैशटैग लिखना? रादिल 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 न्यू हैशटैग हैश रादिल हैशटैग रादिल हैशटैग रादिल न्यू हैशटैग न्यू हैशटैग रादिल। अच्छा प्यार सच्चा प्यार सच्चा प्यार। एक मिनट वीडियो कॉल लो जान, जल्दी वीडियो कॉल करो जान, जान जल्दी वीडियो कॉल करो जान। हमें हाथ मत लगा, शोल्डर दुख रहा है मेरा, वो मेरा एमजे मूवी तो ये देखो रादिल रॉक्स थैंक यू राखी जी, थोड़ा साइड से कर जाना वीडियो, गेट छोड़ के ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू बाय। क्या कर रहा है यार तू? क्या करता है तू? कैमरे के सामने डाल रहा है यार।